तुलसीरामजी गायकवाड़ पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नागपुर एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द कंडेंसर. व्हाट आर द टाइप ऑफ द कंडेंसर? फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज कंडेंसर. द कंडेंसर व्हिच इज यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंडेंसर इन द थर्मल पावर प्लांट? इट कन्वर्ट्स द एग्जिट स्टीम फ्रॉम द टर्बाइन इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड. दैट मींस फेस चेंज करता है कौन? कंडेंसर. लुक एट हियर द टाइप ऑफ द कंडेंसर. ओके, दे आर द टू टाइप ऑफ द कंडेंसर. फर्स्ट वन इज अ जेट कंडेंसर एंड सेकेंड वन इज अ सरफेस कंडेंसर. दे आर द टू टाइप ऑफ द कंडेंसर मोस्टली. The jet condenser are the further divided into the four parts and surface condenser is another four parts. Okay, today we will discuss about the what is jet condenser and what is the surface condenser. Look at the first diagram for the jet condenser. Okay, this one is a jet condenser. Look at here. The jet condenser is known as a mixing type of the condenser. Mixing type of the condenser. Why is called the jet condenser to the mixing type of the condenser? Why is called? Look at here. This one is a condenser. यहाँ पे आपका, for example, यहाँ से cooling pond से आपका cooling water आएगा. देखिएगा. हम डिस्कस कर रहे हैं मिक्सिंग टाइप ऑफ द कंडेंसर क्या होता है, जिसको हम जेट कंडेंसर भी बोलते हैं. मिक्सिंग टाइप ऑफ द कंडेंसर मींस लुक इट हियर. दिस वन इज अ नोजल. ये कुछ कूलिंग पॉइंट से आपका वाटर आ रहा है, कोल्ड वाटर फ्रॉम द कूलिंग पॉइंट. कूलिंग पॉइंट से आपको कोल्ड वाटर आ रहा है, राइट. और यहां पे यहां से आपकी स्टीम क्या हो रही है, यहां पे इन हो रही है स्टीम. ये स्टीम कहां से आती है? एग्जिट ऑफ द टर्बाइन से ये स्टीम आती है. जैसे एग्जिट ऑफ द टर्बाइन से सम अमाउंट ऑफ द स्टीम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द वर्क फ्रॉम द टर्बाइन एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द स्टीम विल बी कन्वर्ट इन टू द कंडेंसर. जो बची वाली स्टीम है हम इस कंडेंसर में लेके जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमें फेस चेंज करना होता है, उस स्टीम का लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है. तो यहाँ से स्टीम आएगी और स्टीम कुछ इस तरीके से ऊपर फ्लो होते जाएगी. जब स्टीम ऊपर जाएगी और इस कूलिंग पॉइंट से यहाँ पे आपने क्या किया, कूलिंग वाटर को भेज दिया और कूलिंग वाटर से ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है जहाँ पे नोजल लगी रहती है और नोजल से आपका जो वाटर है वो नीचे स्प्रे किया जाता है. जब वाटर जो है वो नीचे स्प्रे हो रहा है नोजल से ड्यू टू द हाई वेलोसिटी के कारण और ये जो स्टीम है ये ऊपर जा रही है. दैट मींस ये जो वाटर और स्टीम का जो है यहाँ पे मिक्सिंग हो जाएगा. इसलिए इस टाइप के कंडेंसर को हम मिक्सिंग टाइप ऑफ द कंडेंसर भी बोलते हैं, राइट. तो प्रोसीजर क्या हो जाएगी, यहाँ पे कोल्ड वाटर यहाँ से फ्लो होगा, इस नोजल के थ्रू स्प्रे से वाटर नीचे गिरेगा और यहाँ से जो स्टीम आएगी वो ऊपर जाएगी. यहाँ से जो ऊपर जाएगी स्टीम, तो ये जो स्टीम है इस वाटर से मिक्सअप हो जाएगा. वाटर से क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा प्रॉपरली मिक्सअप होने के कारण जो आपकी स्टीम थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंडेंसिंग स्टीम आ जाएगी. मतलब कंडेंसिंग मतलब कंडेंसेट मीन्स एक तरीके से जो आपका स्टीम था वो पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा ड्यू टू दी मिक्सिंग और यहां से आपका कोल्ड वाटर फ्लो होगा. अब ये तो होता है जेट कंडेंसर. हमें सरफेस कंडेंसर की क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि जेट कंडेंसर का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है क्या, कि यहाँ पे जो वाटर होगा इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सरफेस टेम्परेचर. सरफेस कंडेंसर इसका टेम्परेचर क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ये मिक्सअप हो जाएगी
जहां से लिक्विड ऊपर से गिरेगा, जो कोल्ड वाटर गिर रहा था इस हॉट स्टीम के कारण, वो क्या हो रहा था, मिक्सअप होने के कारण ये जो वाटर है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है एज कंपेयर टू दी सरफेस कंडेंसर। इसका टेम्परेचर अगर ये मिक्सिंग होने के कारण, कोल्ड वाटर फ्लो होने के कारण, ये जो मिक्सिंग होने के कारण इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो गया। टेम्परेचर कम होने के कारण क्या हो जाएगा, इस वाटर को हम किस में भेजते हैं, इस वाटर को हम भेजते हैं बॉयलर के अंदर, टू दी बॉयलर। अब बॉयलर के अंदर इस कोल्ड वाटर को अगर हम भेज देंगे जिसका टेम्परेचर जो है वो लो है, तो क्या करना पड़ेगा बॉयलर के अंदर, और ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा और ज़्यादा हीट की सप्लाई देनी पड़ेगी। मीन्स जो पावर प्लांट की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। राइट, लुक एट हियर, दिस वन इज अ सरफेस कंडेंसर, दिस वन इज अ सरफेस कंडेंसर। राइट, अब इसको सरफेस कंडेंसर ही क्यों बोलते हैं, इसमें जो आपका होता था कोल्ड वाटर कूलिंग पॉइंट से आता था, बट यहां पे क्या होता है, यहां पे जो आएगा कोल्ड वाटर कूलिंग पॉइंट से आएगा, बट कुछ यू शेप की ट्यूब बनी होगी, कुछ इस तरीके से यू शेप की ट्यूब यहाँ पे बनी होगी। अब ये ट्यूब शेप, ट्यूब की जो शेप की ट्यूब है उसमें क्या हो जाएगा, यहां से हम वाटर को फ्लो करेंगे कूलिंग वाटर कहाँ से आएगा, ये कूलिंग पॉन्ड से आएगा, कूलिंग पॉन्ड से ये कूलिंग वाटर आ जाएगा आपका। जब कूलिंग वाटर को यहाँ से हम फ्लो करा रहे हैं इस ट्यूब में से, बस कूलिंग वाटर फ्लो होगा, और यहाँ से आपकी स्टीम अगर आ रही है कहीं एग्जिट ऑफ द टर्बाइन से आपकी स्टीम आ रही है, इनलेट हो रही है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, जो स्टीम है इसके कॉन्टेक्ट में आएगी, इस ट्यूब की सरफेस के कॉन्टेक्ट में आएगी, ट्यूब के अंदर तो नहीं चली जाएगी, ट्यूब के अंदर जाएगी मतलब मिक्सिंग हो रही है एक टाइप से, जहाँ पे ये हो रहा था कुछ, ये ट्यूब के अंदर तो नहीं जा सकती है, ये जो सरफेस है इसके कॉन्टेक्ट में आएगी स्टीम, और इसको जो स्टीम है वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होते जाएगा, और टेम्परेचर कम होने के कारण ये जो स्टीम है वो धीरे धीरे आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी लिक्विड में। जैसे ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो ये जो आ जाती है वो हॉट वेल के अंदर आ जाती है, इसको हम बोलते हैं हॉट वेल, ये होता है आपका हॉट वेल, जो कि फिर क्या कर देता है, ये बॉयलर को